अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरकान लतीफ जौहरी और आप देख रहे हैं शेफ डी कुजीन बाय द स्कूल ऑफ कलिनरी आर्ट सुपीरियर यूनिवर्सिटी। सो आज के हमारे शो में जो गेस्ट है, इट्स अ शी एंड शी इज अ शेफ। सो हम आजकल ना आप काफ़ी शेफ्स को बुला रहे हैं ताकि जो आप लोग मुझे देखी जा रहे हैं कुछ ना कुछ पकाते हुए, स्टूडेंट देखे जा रहे हैं ताकि कोई और शेफ आए वो कुछ बनाए और ना कुछ मज़ा आए। सो आज की हमारी शेफ है शी इज़ अ सेलिब्रिटी टीवी शेफ़। वो बहुत चैनल्स पर काम कर चुकी हुई हैं और उनका एक्सपीरियंस, उनका स्टाइल, उनकी रेसिपीज, उनकी डिशेज ना लोगों को बहुत पसंद आती हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट मी प्लीज कॉल शेफ आबदा बिलोच। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पहले व्यूअर्स के लिए कि यार स्पेशली ऑल द वे फ्रॉम कराची आई हैं हमारे लिए इस शो के लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स एन ऑनर कि आप यहाँ पे हैं। इन बच्चों के लिए भी काफ़ी है क्योंकि अभी तक ये सारे लाहौर के लोग लाहौर के शेफ देख रहे थे, तो फॉर देम एक दूसरी सिटी से शेफ आया है, इट्स अ बिग डील फॉर देम। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली जब हम बात करें ना स्टूडेंट्स की, किसी कुछ भी पढ़ रहे हो तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ही हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हों। कलनरी की फील्ड में तो आपको पता है कि फिर स्टूडेंट्स टीचर से भी बड़े होते हैं, लेकिन ये कि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे जब भी इंटरेक्शन होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ उनसे सीखती है कुछ वो आपसे सीखती है, तो इट्स अ गिव एंड टेक, तो चलता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे बताएं कि आज आप स्टूडेंट्स के लिए और व्यूअर्स के लिए क्या बना रही है? आज हम चिकन चाउमिन बनाएंगे। ठीक है। और वैसे तो खैर सारे ही खाने मैं खाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे चाइनीज बहुत अच्छा लगता है और मुझे चाइनीज बनाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि जो मेरी फेवरेट रेसिपी उसी वो मैं खुद वही बनाती हूँ। हाँ, दैट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट, जो आपको खुद पसंद है सबसे बेहतर तो वही बनाते हैं। और इसके साथ ही आज हम एक स्मूदी बनाएंगे क्योंकि स्ट्रॉबेरीज भी सीजन में आई हैं और बनाना तो सारा साल ही रहता है, तो हम एक बहुत ही हेल्दी सी जबरदस्त सी स्मूदी बनाएंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, आपके हम इंग्रेडिएंट्स नोट करवा दें। इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, ये हमारे व्यूअर्स को बड़ा होता है कि हमें प्लीज इंग्रेडिएंट्स बता दें कि हम क्या आप क्या डालेंगे। और आज की जो रेसिपी है उसमें कोई बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो बस नमक है, काली मिर्च है और सफेद मिर्च है जिसको हम दखनी मिर्च भी कहते हैं। इसके अलावा हम सॉसेज ऐड कर रहे हैं, ऑयस्टर सॉस है, सोया सॉस है और चिली सॉस शामिल कर रहे हैं। सेसमी सीड्स हम गार्निशिंग में यूज करेंगे और फ्रेश लहसुन हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। सेसमे ऑयल अच्छा लगता है ऐड करें, नहीं अच्छा लगता ओमिट कर सकते हैं, इसका स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है। अवेलेबल भी नहीं है कई लोगों के पास, नहीं अवेलेबल होता तो नहीं है, तो कोई मसला नहीं। सेसमे ऑयल नहीं है चाउमिन तो नहीं बना सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स में भी जो आपको अच्छी लगती है, आपके घर वालों को अच्छी लगती है वो ऐड करें। हम उसमें कैबेज ऐड करने जा रहे हैं, गाजर है और बेल पेपर्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है शिमला मिर्च शामिल कर दें। और मटर भी सीजन में आए हुए हैं, गाजर अब तक सीजन में जबरदस्ती आई हुई है, तो ये सारी वेजिटेबल्स हम यूज करेंगे। और बेसिकली स्टर फ्राई नूडल्स हैं जिनको सब्जी के साथ और चिकन के साथ हम बना रहे हैं, और चाउमिन आप प्रॉन्स के साथ बनाए, आप बीफ के साथ बनाए, टोफू के साथ भी बनते हैं, डिफरेंट चीजों के साथ तैयार किए जा सकते हैं। नहीं डालना तो सादे बना लें वो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। आपको एप्रन चाहिए? दे दें, एप्रन भी दे दें, और मैं चाहूंगी कि दोनों मिलकर जल्दी फटाफट कटिंग कर लेते ताकि फिर हम एप्रन है। आज आपका एप्रन मैंने बना नहीं रहा ना, आज आप शेफ है, मैं बस एक अच्छा सादा आदमी हूँ जो खाएगा। नहीं, लेकिन मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि जो हमारे आज के होस्ट हैं वो भी एक शेफ हैं, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि हर इंसान की कोई ना कोई स्पेशलिटी जरूर होती है, वो कौन सा फूड है आप खाना बनाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? मैं जनरली आई लाइक कुकिंग मोर यूरोपियन स्कैंडिक डिशेज, मतलब मैं आई एम क्लासिकली फ्रेंच ट्रेन, तो मैं ना उस तरह से मतलब फ्रेंच डिशेज, इटालियन, स्पेनिश, ग्रीक, जर्मन, इस तरह की डिशेज मैं ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बनाने के लिए। अच्छा, आई लाइक मोर क्लीन फ्रेश फ्लेवर्स, के मतलब मुझे होता है कि जो इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा है ना उसका फ्लेवर ज़्यादा बाहर निकले, बट सीखा इस तरह से। अच्छा, बट जनरली विद टाइम एंड नोइंग स्पाइसेस ना मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारा खुद का खाना या हमारा अपना कल्चर, इफ़ यू कम्बाइन आवर कल्चर आवर फूड विद द यूरोपियन इंग्रीडियंट्स ना, इट्स अ क्रेजी कॉम्बिनेशन। उनका सबसे बड़ा मसला क्या जो मुझे लगता है जनरली वर्किंग इन ऑल दीज रेस्टोरेंट विद ऑल दीज फॉरेन शेफ्स, जो मुझे कहीं ना दे आर एंड दे वुड एग्री और दे वुड नॉट एग्री, दैट्स देयर डील, बट दैट्स व्हाट आई हैव सीन, कि कहीं ना वो डरते हैं मसालों से। अच्छा, लिटरली हम तो स्पाइसेस ये डाला वो डाला, जीरा गया, काली मिर्च, ये लौंग, ये है कि अगर अच्छा खाना बनाना है ना तो जितने भी सामने बॉटल में रखे हुए ना स्पाइसेस सारे डाल दो। चले हम स्टार्ट करें। ठीक है,
क्या चाहिए, क्या करना है? हमें बस थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और हम सबसे पहले जो वेजिटेबल्स हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। ओके चलें, बस थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और वैसे मटर बॉईल करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही ऐड कर रहे हैं तो मटर गल जाएंगे, कोई मसला नहीं। सबसे पहले हम थोड़ा सा मटर को फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम ये वाली वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। जब हम चिकन को फ्राई करने जा रहे होंगे तो फिर थोड़ा सा फ्रेश लहसुन शामिल कर देंगे, नमक है, काली मिर्च है, वाइट पेपर है, ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। और वैसे तो हम अपने पाकिस्तानी खानों में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते ही हैं, लेकिन जब आप कुछ अलग तैयार करने जा रहे हैं, स्पेशली चाउमीन बना रहे हैं, चाइनीज़ बना रहे हैं, तो फिर ज़रूर लहसुन फ्रेश ले लें। और वैसे बहुत टाइम तक चल भी जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत होती है, तो आप आराम से उसको रखें, बॉटल में भी रख लें लेकिन थोड़ा सा फ्रेश भी रखें, ताकि जब आप ऐसा कुछ तैयार कर रहे हैं तो आप उसमें फ्रेश लहसुन का मतलब होना चाहिए। वैसे कभी क्या होता है ना, टाइम नहीं है, फिर हमें भगार के लिए भी चाहिए होता है, भी होता है। वैसे ट्राई करें, कोशिश करें कि जब आप बना रहे हैं तो ट्राई टू यूज इट फ्रेश, इतना मसला नहीं है, फौरन कट जाता है, इजी हो जाता है। वरना आपके पास वो क्रशर होता है गार्लिक वाला, वो यूज कर लें। चलें बस थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद कोशिश करें तमाम, अगर आपकी कटिंग एक जैसी होगी तो आपका चाउमीन दिखने में बहुत अच्छा और खूबसूरत लगेगा। ये वैसे भी जरूरी है कि जब आप कोई भी चीज काट रहे हैं तो कोशिश करें कि वो ना एक ही साइज की, उससे वो ना पकेगी भी एक ही टाइम पे, वरना कोई पीस मोटा होगा कोई पतला होगा तो एक जल्दी पक जाएगा, दूसरा पकेगा नहीं, जब तक पहले वाला पक गया दूसरे वाले की एंड हो गई होगी, तो ये बाकी जरूरी होता है। ये वाली वेजिटेबल्स भी अब इसमें ऐड कर देते हैं, जो अच्छी लगती हैं आपको वो शामिल करें, कैबेज है, मटर अच्छे लगते हैं या नहीं अच्छे लगते हैं आप उसको ओमिट भी कर सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ग्रीन अनियन का जो वाइट वाला पार्ट है वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। वैसे अगर आप नूडल्स बनाने जा रहे हैं, आप चाउमीन बनाने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है टमाटर और प्याज दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त सा जाता है इसके साथ। तो चलिए स्प्रिंग अनियन की भी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। और जब होस्ट शेफ भी हो तो फिर आपको फायदे भी हो जाते हैं ना, कि एक हेल्पर भी आपको हेल्पर मिल जाती। मैं आज हेल्पर, वो छोटे लड़के नहीं होते हैं किचन में, मैं वो छोटा लड़का हूँ आज। तो कैन आई डू दिस? वैसे घर पे कुकिंग करते हैं या जब काम करके जाते हैं तो कहते हैं बस बहुत हो गया? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरी माँ को मुझसे ये एक इख्तलाफ रहता है कि घर पे मैं कुछ नहीं पकाता हूँ, और मतलब वो नानी है ना, तो नानी कभी कभार शो देख लेती होती है, जब देखती हैं शो ऑब्वियसली, और फिर या कभी इस तरह देखती हैं कोई वीडियो देखती हैं, तो वो हमेशा एक ही बात, जब मैं आता हूँ कमरे में तो हमेशा एक ही बात करती हैं, सानू नहीं खिलाता तू, मतलब हमें नहीं खिला रहा तू, और तू बनाई जा रहा है, सबको खिला रहा है, वो आ गया सब गेस्टों को खिला दिया, हमें नहीं खिला रहा तू, तो ये एक चलता रहता है। लेकिन ना सब कुछ कर कर आके घर जाके ना आपका ना दिल नहीं करता। हाँ आप मेल है ना, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ओके। टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, एक ब्रेक लेते हैं, तब तक हम इसको सर्व कर लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देन वी विल कंटिन्यू विद आवर चिकन चाउमीन। ओके सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो शेफ डी कुजीन, और हम बना रहे हैं आज चिकन चाउमीन। और हमने ब्रेक पर जाने से पहले हमारी जो वेजिटेबल्स थी हमने उनको स्टर फ्राई करके साइड पर रख दिया है, हमने अपनी चिकन को इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया है, एंड नाउ व्हाट वी डूइंग, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जनाब ये जो हमने कटिंग करके रखी थी अपनी स्प्रिंग अनियन, ठीक है, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक, तो चाहे तो हम प्रेस कर सकते हैं, और यस एक से दो इसमें ऐड कर देते हैं, और फिर साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन भी। लोगों को बड़ा इशू होता है गार्लिक से ना, वो काटने से कि जी स्मेल आ जाती है और इस तरह से होता है, तो यार ये आसान तरीका गार्लिक प्रेस। किचन टूल से आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाती है ना किचन में, जरूरी है। ट्रू। तो बड़े बड़े हैं तो हम दो ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी बस खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। हाँ बहुत ज्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना, और चिकन को कुक करना शुरू करेंगे। वैसे भी इतनी मासूम सी होती है, कट भी चुकी है, बोनलेस भी है, पक जाती है।
और क्योंकि कैरेट्स हमने इसमें शामिल नहीं की थी जो हमें करनी थी, तो हम ऐसा करेंगे जब चिकन लास्ट मोमेंट पे होगी तो हम कैरेट्स ऐड करके और फिर तमाम स्पाइसेस और जो सॉसेस हैं वो शामिल कर देंगे। चलो शेफ इसमें ऐड कर दें चिकन। इसमें चिकन ऐड कर देते हैं और मैं तब तक हमारे जो कैरेट्स हैं मैं बल्कि हमने कैरेट सीरियस नहीं किया। हाँ चलें और अब स्टार्टिंग में ही इसमें शामिल कर देते हैं नमक। ठीक है तो और नमक अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट। बिल्कुल चलिए नमक तो हमने इसमें सॉल्ट डाला है। हाँ अब हम क्या डालेंगे? अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर। ओके और वो भी आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काली मिर्चों वाला खाना बहुत ही फीका होता है। ठीक ठाक काली मिर्च वाली कढ़ाई जो है ना, खाली काली मिर्च वाली कढ़ाई, उसका एक एंड लेवल अपना मजा है। चलिए लेकिन फिर भी वो तमाम लोग जिनको फिर भी और ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो वो कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी जाती है और कच्चापन भी नहीं रहता, नहीं रहता। बहुत ज्यादा स्पाइसी भी कुछ है। होते हैं लोग जो कहते हैं कि यार सादा नहीं लगता, कुछ मसालेदार चाहिए, कुछ चटपटा चाहिए। बिल्कुल उनके लिए है कि भाई। और वही आपकी वाली बात फ्यूजन कि हमें चाइनीज भी खाना है लेकिन अपने स्टाइल से खाना है। एग्जैक्टली कि हमें वो चटपटा चाइनीज चाहिए। हाँ जो असल चाइनीज आदमी देखेगा तो वो कहेगा कि यार क्या ज्यादा हो रही है मेरे खाने के लिटरली। अच्छा इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू होगा ना, तो फिर हम इसमें कैरेट्स भी शामिल कर देंगे और ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ये ऐड कर देंगे, सॉसेस भी और साथ ही हमारे बॉयल हुए हुए नूडल्स और तमाम चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई करेंगे बस। दैट्स इट। ये बहुत ही जल्दी पक जाने वाली रेसिपी है। अगर आपने वेजिटेबल्स काट के रखी हुई हैं या किसी को पकड़ लीजिए कटवा लीजिए तो फिर बहुत जल्दी से बन जाएगा। मेन काम जो है वो वेजिटेबल्स वाला ही है। बिल्कुल एक वॉक में या पैन में सब। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं ना आप आधे घंटे में एक घंटे में इतनी रेसिपीज कैसे बना लेते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं कि जब प्री प्रिपरेशन हुई भी हो आपके फूड की तो फिर फूड बहुत जल्दी बन जाता है। इसको हम अपनी शेफ जुबान में अपनी शेफ दुनिया में कहते हैं मिसिंग क्लास। कि आपका मिसिंग क्लास रेडी है, अगर मतलब आप ऑल डन ऑल सेट ऑल रेडी हो तो कुकिंग यू टाइम लेती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे घर में जो खवातीन हैं वो उस वक्त अदरक लहसुन पीस रही हैं, सब्जियों को धो भी रही हैं, काट भी रही हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। वक्त लग गया बिल्कुल। अच्छा तो जब हम साथ से भी कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। ठीक है उनके आपसे भी कुछ क्वेश्चन हैं तो हम वो क्वेश्चन लेते हैं ताकि। ठीक है यस। आपको कल्नरी आर्ट्स के बारे में क्या पसंद है? कल्नरी आर्ट्स के बारे में क्या पसंद है? मुझे सबसे अच्छी चीज़ नाउडेज ये लगती है कि एटलीस्ट इसको भी एज अ पढ़ाई अब कंसिडर किया जाता है और जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो अब बहुत ज़्यादा इस फील्ड में आने लगे हैं। और पहले कहते थे ना क्या काम करते हो, भाई खाना बनाता हूँ, भाई ये बताओ कि काम क्या करते हो। तो एटलीस्ट इसको अब काम कंसिडर किया जा रहा है और रिस्पेक्ट के साथ डिग्निटी के साथ, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। आपको अपने काम के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अपने काम के बारे में क्या पसंद है? मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है और मुझे ये अच्छा लगता है कि जो मुझे पसंद है वो मेरा काम है, तो मेरा काम काम ही नहीं है। काम काम फील नहीं होता। ठीक है ये भी इट्स अ गुड गुड आंसर। ठीक है क्या आपके घर वालों ने कभी आपके खाने में कमियाँ निकाली? बहुत ज़्यादा। मेरी अम्मी तो शी यूज टू से पता नहीं कैसा खाना बनाती हैं, लोगों को पसंद आ जाता है। वो लिटरली खाना नहीं पसंद करती और वो अपना ही पसंद करती है जो वो कुक करती हैं। और शी यूज टू से पता नहीं कैसा खाना बनाती लेकिन मेरे बच्चे पसंद करते हैं। हाँ ये है केक या यूँ कह लें कि उनको मेरे टेस्ट की जो मैं बनाती हूँ उसकी उनको आदत हो गई है तो हाँ वो पसंद करते हैं, लेकिन मेरी अम्मी मेरा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। होता है होता है। मैम क्या आप हमारे साथ अपने किचन से मुतल्लिक कोई दिलचस्प कहानी शेयर करना चाहेंगे? किचन की कहानी स्टोरी एनी एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक। किचन की कहानी के लिए मैं यही कहूँगी कि जब मैं स्कूल में थी और मैं खाना बनाती थी, उसके बाद जब मसाला टीवी स्टार्ट हुआ और मैंने देखना शुरू किया तो मैं ये सोचती थी मुझे ऐसे ही करना है, मैं ऐसे ही करूँगी,
घर वालों से डिस्कस करना, क्या करना होगा इसको करने के लिए. उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि इसकी कोई पढ़ाई करनी होती है और ट्रेनिंग और करनी है. एग्जैक्टली एक तो वे ही नहीं पता था कि कैसे करना है. तो मैं इसको जब भी कोई ऐसी बात करता है कहानी के बारे में तो मैं यही कहती हूँ कि मैं ये करना चाहती थी और फिर अल्लाह ताला ने रास्तों को आसान किया, उसको सीखा, अभी भी सीख रहे हैं हमेशा, सारी जिंदगी चलता रह गया. तो एक ये चीज़ है कि मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसे सोचती थी और अब मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है. अचीवमेंट अचीवमेंट अनलॉक. हाँ ओके चले. अब ये चिकन हो गई है, ठीक है, तो हम इसमें कैरेट सेट कर देते हैं और हल्का सा इसको फ्राई करके जो हमारी बाकी की वेजिटेबल्स हैं वो भी शामिल कर देंगे. इसका एक अगर टिप कहा जाए चाउमीन अच्छा मज़े का बनाने की, तो मैं यही कहूँगी कि वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें, थोड़ा क्रंच रखें, चाउमीन अच्छा ही बनेगा. अक्सर ये होता है ना कि हम बाकायदा ढक के गलाते हैं यार, मतलब लिटरली बंद गोभी को क्या गिलाएंगे हम. टमाटर को कितना को गिला लेना आपने, टमाटर वैसे सही होते हैं. बिल्कुल. तो हम इसमें ये भी ऐड कर देते हैं, मैं इसमें नूडल्स भी शामिल कर देती हूँ और थोड़ा सा उसको स्टर फ्राई करेंगे और फिर सॉसेज बाकी से ऐड करेंगे. और सॉसेज हमें हेल्प भी करेंगे कि ये नीचे लगेगा भी नहीं उस वक्त. और हम थोड़ा सा और नमक और काली मिर्च जो और क्वालिटी टेस्ट. हाँ, और मैं ये भी कहती हूँ हमेशा टेस्ट किया करें खानों को. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, जो भी इस तरह कहते हैं. अपने घर वालों के लिए भी बना रहे हैं, ज़रूर टेस्ट करें लास्ट में उसका नमक, उसका मिर्च. स्पेशली बल्क क्वान्टिटी में कुछ कबाब बना रहे हैं, ज़रूर एक कबाब फ्राई करके देख लें, वरना हाँ छोटा सा टुकड़ा ही फ्राई करके देख लो नमक मिर्च, वरना हम कहेंगे ओ हो ज़रा सा नमक ऐड कर देते तो बड़े मज़े. मतलब आपने दर्जन के हिसाब से बना ली, में नमक रह गया थोड़ा सा. चलिए हम इसमें नूडल्स भी शामिल कर देते हैं. नूडल्स डाल लेंगे. जब तक हम इसको स्टर फ्राई कर रहे हैं, टाइम है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो इसमें सॉसेज और स्पाइसेज हमने बाकी ऐड करने हैं वो डालेंगे एंड देन वी आर फिनिश आवर डिश. ओके सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. हमारे साथ मौजूद है शेफ अब्दा और हम बना रहे हैं और ये बना रही है बेसिकली चिकन चाउमीन. मैं तो बस खाऊंगा इसको आज. ओके सो हमने ब्रेक में जाने से पहले हमने अपनी वेजिटेबल्स, हमारा चिकन, हमारे नूडल्स डाल के हमने उनको हल्का सा मिक्स कर लिया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द फाइनल सॉसेज और स्पाइसेस और विल बी डन. बिल्कुल यस. तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चिली सॉस 2-3 टेबल स्पून. अगेन ज्यादा अगर पसंद करते हैं स्पाइसी तो ज्यादा ऐड कर दीजिए. सोया सॉस भी हम इसमें 2-3 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं और 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे इसमें हम ऑयस्टर सॉस. यस. और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स. थोड़ा सा नमक और काली मिर्च थोड़ी सी मैं ऐड कर देती हूँ. मैंने टेस्ट नहीं किया लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ी सी कम ही है, तो हम इसमें शामिल कर देते हैं ताकि वो जो हमारे टेस्ट बड्स हैं ना स्पाइसी स्पाइसी से, तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त सा हो जाए. अच्छा इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ी सी काली मिर्च और अगेन थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च. और आज जो ये स्मूदी बनने जा रही है इसमें तो बहुत ही सिंपल से इन्ग्रीडियंट्स हैं इसमें. स्ट्रॉबेरीज हैं और इसमें है जनाब बनाना और इसमें हम दही यूज करने जा रहे हैं, मिल्क है, साथ ही ऐड करेंगे बेजल सीड्स. वैसे तो हम इतने बनाना उसमें शामिल कर देंगे कि हमें चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको ज़रूर ऐड करनी है, मीठा अच्छा लगता है तो शामिल कर दीजिए. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ अ स्मूदी कि आपको उसमें ना चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है. यू डोंट ऐड शुगर वगैरह करो. हाँ अगर आपका दिल है अगर आप जरा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू स्किप द शुगर तो यार शहद ऐड कर लो. बिल्कुल. और ख़ास तौर पे अगर कोई फ्रूट जिसकी आप बनाने जा रहे हैं वो मीठा फ्रूट है तो आप उसकी क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा, वैसे भी स्मूदी में बेस तो आपका फ्रूट ही है तो उसको अच्छा सा गाढ़ा सा भी वो तैयार होगा और इसके अलावा उसमें जो मिठास है वो भी ज़बरदस्ती आ जाएगी. ये भी हो गई है और ज़्यादा इसको नहीं बनाएंगे, स्टोव इसका कर देते हैं बंद. बिल्कुल. और अब हम ब्लेंडर में चीज़ों को तमाम चीज़ों को ऐड करना है, ब्लेंड करना है, सर्व करना है. अच्छा है, हमारे पास तो ये फ्रेश है, फ्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको थोड़ा सा क्रंच अच्छा लगता है अपनी ड्रिंक में तो आप स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज कर दीजिए. वैसे सीजन जाने वाला है, मैं तो कहूँगी अगर बहुत अच्छी लगती है फ्रीज करके रख लीजिए. रख ले. हाँ एग्जैक्टली. अच्छा मैं जनरली ये फालसों का करता हूँ. अच्छा फालसे रख लेते हैं, फालसे ज़्यादा पसंद है. फालसे ना
वो फ्रीज कर लो, उसके बाद आप उसको बाद में ब्लेंड करके पानी के साथ आप ड्रिंक बना के पीते रहो, बहुत मजा आता है। तो चले हम इसमें ऐड कर देते हैं बनाना, जितने आपको अच्छे लगते हैं, जितनी मिठास स्पेशली अच्छी लगती है उतने शामिल कर दीजिए। मैं करूंगी ऐड तकरीबन, अगर बड़े साइज के हैं तो एक ग्लास में दो भी काफी होंगे। और खूब अच्छे राइप बनाना का इस्तेमाल करें अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा मिठास आए। Exactly. और अक्सर ये है कि हम बेकिंग में भी कुछ हेल्दी बना रहे हैं, हम बनाना का इस्तेमाल करते हैं, तो जितने ज्यादा पके हुए होंगे उनमें मिठास उतनी ज्यादा होगी। That is exactly what you need, जब आप कुछ बना रहे हो which involves बनाना, because the more it ages, जितना ज्यादा काला होता है उतनी उसकी शुगर ज्यादा बढ़ती है, उतना ज्यादा मीठा होता है। बल्कि जब आप बनाना लाएं और घर वाले उसको रिजेक्ट कर दें कि ये हम नहीं खाएंगे, आप उसके कपकेक्स बना लें, कपकेक बनाएं, डिजर्ट बना लें, कुछ भी बना लें, स्मूदी बना लें यार, व्हाई नॉट। चलिए अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरीज, मैं होली शामिल कर देती हूँ, ऐसे ही पिस तो जाएगी, या क्या कहते हैं शेफ, आप जैसा बोले। हम होली शामिल कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, क्योंकि खट्टी होती है, इतना ज्यादा मीठा फ्रूट नहीं है ये, आपको खा के दिखाता हूँ। तो आपकी पसंद पर है कि आप ये कितनी ऐड करना चाहते हैं, हम शामिल कर देते हैं, काफी सेहतमंद सी स्ट्रॉबेरीज हैं तो पांच भी काफी होंगी। मैं चाह रही हूँ बहुत हमारी जो स्मूदी है खट्टी ना हो। चलिए एक और ऐड कर देते हैं। चलिए अब हम इसमें शामिल कर देते हैं दूध। अच्छा, दही भी आपने फ्रेश लेना है, अगर दही भी खट्टा हुआ तो फिर बहुत खट्टा हो जाएगा, फिर आपको चीनी ऐड करनी पड़ जाएगी। हमने एक कप दूध ऐड किया, इसको थोड़ा सा पहले मिक्स करते हैं, फिर हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट। चलिए इसमें एक और बनाना शामिल कर दें, इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करते हैं। गाढ़ा कर लेते हैं। चलिए अब हम इनको निकाल के सर्व कर लेते हैं, कोई भी खूबसूरत सा ग्लास ले लीजिए जिसमें हम पहले तो हम अपने जो ये चीजें हैं ना, हाँ, हम इनको साइड पर रखते हैं नीचे ताकि हम। अच्छा, सेसमी सीड्स आप एज इट इज भी शामिल कर सकते हैं, और टोस्टेड सेसमी सीड्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो अगर आपको उनका फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तो मैं पीऊंगा क्योंकि हमने इसमें चीनी नहीं डाली, और इसको हम गार्निश कर देंगे स्ट्रॉबेरीज के ही साथ। ओके, यस, चल इसको रख देते हैं इधर, तो दिस इज डन, और ये हमारा प्लेटर आ गया, इसको मैं कर देता हूँ साइड पे, और ये आ गया हमारा चाउमिन। सिंगल सर्विंग देना चाहते हैं या फुल प्लेटर बनाना है तो फुल बना लीजिए, काफी मैटर करती है, हम सिंगल सर्विंग पे रखेंगे। और कुछ जो हमारे वेजिटेबल्स के कलर्स हैं वो ऐड कर देते हैं, और बस साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं, थोड़ी सी चॉप्ड हरा प्याज, सेसमी सीड्स। अच्छा, सीड्स भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, जरूर यूज करें, बिल्कुल, सेसमी सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं, कोशिश करें इसका इस्तेमाल जरूर करें, और बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है, अगर नट्स नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट सीड्स तो ले सकते हैं। जनरली हम वो कहते हैं चारों मगर वो सारे लाइक सीड्स हैं, खरबूजे का, खीरे का, और इस तरह की चीजें, तो वो क्यों हम कहते हैं, जो कहते हैं चारों मगज खाने चाहिए, बहुत हेल्दी होता है, ये उसकी रीजन ये है कि इन सीड्स में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए इन अ लॉन्गर रन बहुत फायदेमंद है। चलें और जैसे दिल करता है वैसे आप अपने प्लेटर को गार्निश कर लीजिए। खाना हम खाते बाद में पहले हम उसे देखते हैं फिर चूज करते हैं, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये जरूर खाते हैं, तो हमारे दिमाग जो है हम तक ये सिग्नल पहुंचा देता है खाना बहुत टेस्टी है, और फिर वो हमें अच्छा लग भी रहा होता है ज्यादा, क्योंकि हम खाते हैं उस माइंडसेट से कि यार ये अच्छा होगा। तो इतना ज्यादा टाइम गर्मी में अगर आपने खाना बनाया है तो थोड़ा सा और एक दो मिनट दें और अपना प्लेटर भी अच्छा सा बना लीजिए। मुझे उम्मीद करते हैं देखने वालों को अच्छी लगी होंगी आज की रेसिपीज। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम इसको हम करते हैं साइड पे ऐसे, और अपने प्लेटर को रखते हैं इधर विद आवर ग्लास। यार कितना एक अच्छा हेल्दी किस्म का मील है ना, सो यू हैव चाउमीन,
ज़्यादा there's like अच्छी protein है, अच्छी carbs हैं, then you have a smoothie which is all milk and yogurt और strawberries और banana, तो एक बड़ा एक अच्छा healthy lunch या dinner हो सकता है। और अगर आप whole wheat noodles का इस्तेमाल करते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। better अगर आप एक diet पे हैं, अगर आप नहीं खाना चाह रहे हैं, so even better। और ढेर सारी वेजिटेबल्स शामिल कर दें। वैसे मुझे लगता है पास्ता या नूडल्स एक ऐसी रेसिपी है जिसमें सब्जियां सभी बहुत शौक से खा लेते हैं। सो एज गुड एज दिस लुक्स, इट लुक्स वेरी एपेटाइजिंग, तो टेस्ट करते हैं थोड़ा ताकि पता लगे। और मैंने स्मूदी में ऐड किया तो नहीं है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा कि मैं वेट करूं। मैंने कहा कि क्यों नहीं, वी विल गो विद द चाउमीन। ऑब्वियसली चिकन हम साइड पे करेंगे, बाद में खाया जाएगा। ये एक बाइट जाएगी। सो नाइस, सो एपेटाइजिंग एंड सच एन ईजी थिंग। मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली बना सकते, मतलब आराम से बना सकते हो यार। और मतलब आखिर मजा आ रहा है खा के। इट्स लाइक आप आराम से बैठ जाओ और ये पूरा बोल चाउमीन का नाम बड़े प्यार से खा सकते हो। टीवी को टेस्ट करूंगा, इसके लिए मुझे चम्मच चाहिए क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉ नहीं है। मैं पी नहीं रहा हूँ, तो मैं ये करता हूँ। जस्ट टेक अ, ये मैं पी लूँगा पूरा। ये साइड पे कर दिया हमने क्योंकि सारे जो क्रू वाले हैं, जैसे जो मेंबर्स हैं, जैसे कट होगा ये वेट करते हैं, ये वेट करते हैं और ये टूट पड़ते हैं खाने के ऊपर, मुझे अंदाजा है। तो हम इसको साइड पे कर लेते हैं। बट थैंक यू सो मच, दिस वाज वंडरफुल, वाज अमेजिंग, बहुत मजे का था। और सब वेट कर रहे हैं कि बस ये कट हो। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर मेकिंग सच एन अमेजिंग डिश। बहुत दोनों मजे की थी। इट वॉज एन ऑनर हैविंग यू हियर, स्टूडेंट्स के लिए भी, व्यूअर्स के लिए भी। आई होप मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई लाहौर में, बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैं पूरे लाहौर का ही बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जाने से पहले, कि बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ढेर सारी मोहब्बतों का, आपकी हॉस्पिटैलिटी का। तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वाज एन ऑनर और दिस वाज इट। अब आप जाएँ और देखें कि मैं आज किस रेस्टोरेंट में जाकर रिव्यू दे रहा हूँ। यहाँ से इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके, सो टुडे वी आर हेयर एट त्रियाकी। ये है DHA फेज वन में एंड इट्स अ पैन एशियन कुजीन बेसिकली। देखने से तो वेरी स्मॉल स्पॉट, बट यार जो अंदर का अभी तक जो मुझे लुक नज़र आ रही है ना, द वे दे हैव डिजाइंड इट, इट्स अमेजिंग। तो अंदर चलते हैं, इनका मेन्यू देखते हैं और उसको फिर टेस्ट करेंगे, उसका रिव्यू देंगे। सो वी आर हेयर एट त्रियाकी और ये इनका मेन्यू है। सो दे हैव, इट्स मोस्टली पैन एशियन। Obviously the soups hain, they have main courses, then they have salads, they have starters, they have noodles. Kafi achhi achhi cheeze hain, matlab they have this mega Thai aur Chinese ka ek bada mix kisam ka flavor hai. And they have dumplings as well, so which I'm very excited about. So order karte hain, let's see ke hame kya serve hoga. Ki humne inpe chhod diya kis waqt ke serve us something jo bahut famous hai yahan pe ya jo bahut zyada running hai. So wait karte hain aur fir uska taste karenge. हमारे पास पांच चीज़ें हैं। सो वी हैव, दिस इज बीफ मंगोलियन, दिस इज चिकन मंगोलियन, वी हैव चिकन चिली ड्राई, वी हैव कैशू नट एंड देन वी हैव सम चिकन डम्पलिंग्स, जिसके बारे में मैं सबसे एक्साइटेड हूँ बिकॉज डम्पलिंग्स बहुत पसंद है मुझे। सो लेट्स टेस्ट देम, इनको टेस्ट करते हैं और फिर इसका एक फाइनल रिव्यू देंगे। ओके, सो वी हैड द फूड, हमें पांच चीज़ें सर्व हुई थी। वॉज बीफ मंगोलियन, चिकन मंगोलियन, वी हैव द चिली ड्राई, देन वी हैड कैशू नट एंड वी हैड द डम्पलिंग्स। यार ऑनेस्टली सब चीज़ों का टेस्ट एक दूसरे से डिफरेंट था, और मतलब देखने में सब लगता है कि सब चाइनीज फूड एक जैसा लगता है, बट द टेस्ट वॉज डिस्टिंक्ट एवरी वन ऑफ देम। द डम्पलिंग्स वर वेरी नाइस, ठीक है। द मंगोलियन बीफ वॉज वेरी गुड एक्चुअली, और सर चिकन, दोनों डिफरेंस वॉज के चिकन और बीफ का है, बट बीफ मंगोलियन तो यार कमाल था। कैशू नट इज कैशू नट जनरली, चिकन चिली ड्राई भी इट्स वेरी नाइस। सो अगर आपको स्पाइसी पसंद है, सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द चिकन चिली ड्राई, बट बीफ मंगोलियन वॉज ऑनेस्टली माई फेवरेट। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप सबको कि यार इस जगह पर आएँ। एक तो इसलिए कि एम्बियंस कमाल है, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल कोजी प्लेस, बट द वे दे हैव डिज़ाइंड इट ना, बहुत मज़े की जगह है। सो डू कम हेयर, हमारे इंस्टा पर जाइएगा, हमारे फेसबुक पर जाइएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा।
और फिर ESR की तरफ से जितने डिस्काउंट्स हैं उनका एक लिंक आ रहा होगा, गो एंड अवेल दोज डिस्काउंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।